Hey guys, the official remake of the phenomenal Arjun Reddy, मेरी सबसे most favorite movie, the Arjun Reddy. वैसे तो बहुत सारी movies हैं, लेकिन Arjun Reddy बहुत favorite है, बहुत दिल के close है मेरे, क्योंकि मेरा खुद का medical life, मेरी खुद की college life, जिस इसमें मैं जिया हूँ, जिस तरह से मेरा aggression था, जिस तरह से मेरा सभी बिहेवियर से कॉलेज लाइफ में मैं सेम टू सेम मैच कर सकता हूँ इस कैरेक्टर के साथ. एंड या मेरा कॉलेज लाइफ, मेडिकल कॉलेज लाइफ भी साउथ इंडिया में ही हुआ है. सो लेट्स वॉच द टीजर ऑफ सिप्रेंट डी वांगा डायरेक्टेड कॉपी ऑफ अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह इन हिंदी स्टारिंग शाहिद कपूर, और उसके बाद में थोड़ा सा बात करते. और एक चीज, अगर आपने अर्जुन रेड्डी नहीं देखी है, अगर आपको अर्जुन रेड्डी के बारे में कुछ पता नहीं है, देन प्लीज 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 डोंट टॉक एनीथिंग. अगर आपको कुछ पता नहीं है, प्लीज बात मत करो, जाओ जाके मूवी देखो, विजय देवरकोंडा को देखो, फिर बात करेंगे इस बारे में. अगर आपने मूवी देखी है तो प्लीज प्लीज कमेंट करके मुझे नीचे बताइए, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये. रिएक्शन के बाद में मैं बताऊंगा जो कुछ मुझे और कुछ थोड़ा इसमें ऐड करना है. सो लेट्स वॉच कबीर सिंह टीजर. इज डॉक्टर कबीर राजधीर सिंह, ही इज वन ऑफ द बेस्ट. दिस इज डॉक्टर कबीर राजधीर सिंह, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स एवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विद एन इंपेकेबल एकेडमिक रिकॉर्ड. कम इन सर. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें कुछ सीन मुझे डिफरेंट लगे और थोड़े कुछ अलग लगे. मैंने अर्जुन रेड्डी बहुत बार देखी है, उसका ट्रेलर टीजर, मैंने वो मूवी बहुत बार देखी है, मतलब बहुत बार, तो मैं पूरा जानता हूँ उस मूवी को अंदर से, वो मूवी में क्या दिखाया गया. अर्जुन रेड्डी एक फीलिंग है, इट्स अ फील, दिल का जो फील रहता है ना, वो है अर्जुन रेड्डी. तो जो कुछ स्टार्टिंग सीन दिखाया गया, वो जब वो रॉयल स्टेक की बॉटल लेके आता है दारू की, उसमें पानी में डाल के निकालता है, वो थोड़ा सा इम्परफेक्ट लगा सीन. उसके बाद में रॉयल एनफील्ड का जो सीन है, सेम कॉपी है अर्जुन रेड्डी से. जो लास्ट में किसिंग का सीन दिखाया है KR आडवाणी का, वो भी सेम, सब कुछ कॉपी है. जो स्टार्ट में जो ये बोलता है ना शाहिद कपूर, मैं कम इन सर, और सिगरेट का ये लेके, क्या बोले, झुरका बोलते हैं उसको, लेके जो बात करता है ना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है अर्जुन रेड्डी से. उसमें विजय देवरकोंडा के बाल ऐसे ऐसे पूरे बड़े हुए, बियर्ड ऐसे पूरी की पूरी बड़ी हुई, बियर्ड लुक अच्छा है शाहिद कपूर का भी, परफेक्ट लग रहा है. तो ये है, इट्स अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अर्जुन रेड्डी टीजर. और फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, अगर अर्जुन रेड्डी नहीं देखा है तो डोंट टॉक, बात मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट. अगर देखा है आपको, आपने उस मूवी को समझा है, देन ओनली कमेंट ऑन दिस वीडियो, और फिर ही बात करना. और जैसे कि मैंने बोला, मेरा कॉलेज लाइफ से, मेडिकल कॉलेज लाइफ से, मेरे एग्रेशन, खुद के एग्रेशन इश्यूज से, गुस्सा, ये सभी चीज़ें, उनसे मैं बहुत कोरिलेट करता हूँ विजय देवरकोंडा की जो अर्जुन रेड्डी मूवी है उसको. और उसी के साथ में साउथ की मूवी है, मेरा कॉलेज भी वहीं पर कर्नाटका में, साउथ इंडियन रीजन में हुआ है. सो ये बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट होती है, और इसलिए ऑब्वियसली अर्जुन रेड्डी मेरी सबसे फेवरेट थी, है और हमेशा रहेगी. इसको मैं बोलूँगा वन वर्ड में, इट्स अ कार्बन कॉपी, अ पॉलिश्ड, ओके, पॉलिश्ड कार्बन कॉपी ऑफ अर्जुन रेड्डी. सर संदीप रेड्डी वांगा जो डायरेक्टर है अर्जुन रेड्डी के, उन्होंने ही इस मूवी को डायरेक्शन किया है, और अब ही नोज बेटर, क्योंकि उसने ही अर्जुन रेड्डी को डायरेक्ट किया, ऑब्वियसली ही नोज बेटर. और
मैं कंपैरिजन बात करूंगा अर्जुन रेड्डी एंड ये क्या बोले कबीर सिंह का, वो एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं बात करूंगा कि मेरे पॉइंट्स क्या है, क्यों अर्जुन रेड्डी मुझे बेस्ट लगती है, उसके बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा। वो वीडियो भी जरूर देखिए। इसके बाद में रिएक्ट करेंगे अर्जुन रेड्डी का ट्रेलर एंड टीजर उसके ऊपर, एंड उसके बाद में बात करेंगे उन दोनों का कंपैरिजन। सो ये था मेरा व्यू इस बारे में। सिंगल एक सिंपल वर्ड में मैं कहूँगा इसको, पॉलिश्ड कॉफी ऑफ अर्जुन रेड्डी, दैट्स इट। शाहिद कपूर ग्रेट एक्टर है, सभी ग्रेट एक्टर है, सभी के सभी अच्छे एक्टर रहते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, हर कोई ग्रेट है। कॉलेज लाइफ से शाहिद कपूर की मूवीज हम देखते आ रहे हैं। इश्क इश्क फर्स्ट था आई गेस, है ना, मैं आई थिंक 11th और 12th में था उस टाइम उसकी मूवी थी शाहिद कपूर की फर्स्ट। तो ये था इस टीजर के बारे में, एंड या ही इज लुकिंग एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। बुलेट का राइड कर रॉयल एनफील्ड का जो सीन है वो, मतलब मैं जब ये टीजर देख रहा था तब मुझे, मैं कंपेयर कर सकता हूँ ईच एंड एवरी सीन को, इतनी बार मैंने अर्जुन रेड्डी देखी है। अगेन फिर से मैंने बोला कि मूवी मेरे दिल के इतने करीब क्यों है, इतनी क्लोज क्यों है, उसके पीछे का रियल रीजन, रियलिस्टिक रीजन जो है वो मैंने बताया। That's it guys, and once again watch Arjun Reddy, then only watch this teaser and फिर बात करना। If you don't know fucking shit about Arjun Reddy, then fucking don't tell or don't talk anything about Kabir Singh. It's a whole different world. It's South India. Yes, Sandeep Reddy वांगर बहुत smart director है। उसने क्या किया है, जैसे कि South में विजय देवरकोंडा ने जब उसमें acting की थी तो यह आंध्रा रीजन से आई थी, ओके? और ये इन्होंने कबीर सिंह का जो बैकग्राउंड दिया है वो दिया है पंजाबी रीजन का। बहुत स्मार्ट है वो, जिन जिन को पता है ना उनको ही समझ में आएगी बात। सो दैट्स इट माय रिएक्शन एंड माय रिव्यू अबाउट दिस टीजर ऑफ कबीर सिंह। वॉच अर्जुन रेड्डी फिर ही बात करना, ठीक है? लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करके बताओ क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, पीस।